प्रश्न है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस आयटा y इंटू 2 प्लस 3 आयटा बराबर है 1 प्लस 8 आयटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और सरल करते हैं। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3x आयटा प्लस 2y आयटा प्लस 3y आयटा स्क्वायर बराबर है 1 प्लस आयटा वाई। हमने दोनों पदों को गुणा कर दिया। आयटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज वास्तविक भागों को एक साथ लिख दें, 2x माइनस 3y हो जाएगा। आयटा स्क्वायर माइनस में 1 हो गया, ये माइनस का 3y हो गया, वास्तविक भाग बन गया। प्लस आयटा, काल्पनिक भागों को लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y, ये बराबर हो गया 1 प्लस 8 आयटा है। अब वास्तविक भाग बराबर होंगे और काल्पनिक भाग बराबर होंगे, तुलना करेंगे तो 2x माइनस 3y ये बराबर हो गया 1 के, एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण हो गया 3x प्लस 2y बराबर है 8 के, ये दूसरा समीकरण बन गया। यहां इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं, तो गुणांकों को बराबर कर देते हैं। अर्थात इस समीकरण को तो मैं पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, और इस पूरे समीकरण को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो x के गुणांक समान कर लूंगा। 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6x माइनस 9y बराबर है 3 के। 2 से गुणा किया तो यह हो गया 6x प्लस 4y बराबर 8 इंटू 2 16। घटाया, 6x से 6x कैंसिल हो गए, माइनस का 13y बराबर है माइनस 13। तो इसलिए y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 13 बटे 13 1 के बराबर आ गया। y बराबर 1 मैं इस समीकरण में रख देता हूं, तो मान रखने से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 y का मान 1 रख दिया बराबर है 1 के। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 बराबर 1, 2x बराबर हो गया 4, इसलिए x बराबर हो गया 4 बटा 2 अर्थात 2। तो x और y के हमारे अभिष्ट मान क्या है, x बराबर तो है 2 और y बराबर है 1। प्रश्न है, यदि z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयटा तथा z2 बराबर है 1 माइनस आयटा, तो निम्न का सत्यापन कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 बराबर है मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2। पहले प्रश्न को लेते हैं हम, मॉडुलस z1 क्या हो जाएगा, हमारा z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयटा, तो मॉडुलस z1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये मान कितना हो गया, अंडर रूट 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अर्थात अंडर रूट 13। देखो हम जानते हैं कि यदि z बराबर है a प्लस आइटा b तो मॉडुलस z1 होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। इस नियम का हमने प्रयोग किया, z1 का मॉडुलस हो गया अंडर रूट 13। z2 का मॉडुलस निकालें तो z2 हमारा है 1 माइनस आइटा, मॉडुलस z2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात मान कितना हो गया, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। मॉडुलस z1 इंटू z2 कितना हो जाएगा, तो हम पहले z1 इंटू z2 निकाल लें, z1 इंटू z2 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा के बराबर होगा। गुणा किया, 2 माइनस 2 आयटा प्लस 3 आयटा प्लस 3 आयटा, जब माइनस आयटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के बराबर, तो ये हो गया प्लस का 3 अर्थात मान कितना आ गया, 5 प्लस आयटा, ऐसा आ गया। मॉडुलस z1 इंटू z2, इसका मॉडुलस निकालें तो अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 अर्थात अंडर रूट 26 के बराबर हो गया।
अब हम इसको देखते हैं, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, एलएचएस बराबर अंडर रूट तीन, अंडर रूट तेरह, ये तो है मॉडुलस जेड वन, मॉडुलस जेड टू है अंडर रूट दो, अर्थात कितना आ गया अंडर रूट छब्बीस। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा है मॉडुलस जेड वन इंटू जेड टू अंडर रूट छब्बीस, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। तो पहला जो कथन है पहले प्रश्न में हमें मिला है वो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरे को देखते हैं, मैं इधर से इसको मिटा देता हूं। अब यहां देखो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम Z1 प्लस Z2 ज्ञात कर लें। Z1 हमारा है 2 प्लस 3 आयटा और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13 के बराबर हो गया। मॉडुलस Z1 हम ज्ञात कर चुके हैं, मॉडुलस Z1 हमारा है अंडर रूट तेरह और मॉडुलस Z2 हम ज्ञात कर चुके हैं अंडर रूट दो है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया मॉडुलस Z1 प्लस Z2 अंडर रूट तेरह और आरएचएस क्या है, ये हो गया अंडर रूट तेरह प्लस अंडर रूट दो के बराबर। स्पष्ट है कि जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा है क्योंकि इसमें अंडर रूट तेरह में दो का अंडर रूट जुड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या पाते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन है राइट हैंड साइड के, और यही हमें यहां सिद्ध करना है। बराबर तो नहीं है परंतु यहां छोटी, ये सिद्ध हो गया इति सिद्ध। प्रश्न है यदि मॉडुलस z बराबर एक है तो सिद्ध कीजिए कि z माइनस एक बटे z प्लस एक, जहां z बराबर नहीं है माइनस एक के, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस z बराबर है एक, हम z को मान लेते हैं कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आइटा वाई है, तो मॉडुलस z क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है एक के बराबर मिला है, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक के। दोनों पक्षों में वर्क कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक आ गया। अब हमें इसका डिसाइड करना है कि ये एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो जेड माइनस एक बटे जेड प्लस एक, ये क्या हो जाएगा जेड का मान रख दें एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक बटे एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एक, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। वास्तविक भागों को पृथक कर लें और काल्पनिक भागों को पृथक कर लें, तो ये हो गया एक्स माइनस एक प्लस आइटा वाई बटे एक्स प्लस एक प्लस आइटा वाई, ऐसे ये सम्मिश्र संख्या बन गई। अब हम इसको इसके जो हर में है उसके संयुग्मी संख्या से गुणा और भाग करते हैं ताकि हम इसे मानक रूप में अर्थात a प्लस आइटा b के रूप में लिख सकें। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, हर के संयुग्मी संख्या, तो यहां आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करूंगा, बदलूंगा तो मुझे संयुग्मी संख्या मिलेगी, तो यहां अंश तो ऐसा कैसे ही है और मैंने इसको संयुग्मी संख्या से मल्टीप्लाई और भाग कर दिया एक्स प्लस एक माइनस आइटा वाई, ऐसा हो जाएगा ये संयुग्मी संख्या है एक्स प्लस एक माइनस आइटा वाई, इससे भाग और गुणा कर दिया, अंश को गुणा करें तो क्या आ जाएगा संख्या बराबर हो गई एक्स माइनस एक एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आइटा वाई प्राप्त करेंगे। जब हम x को
इन तीनों पदों से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स वाई आएगा। अब माइनस एक को गुणा करें तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक प्लस आइटा वाई। अब प्लस के आइटा वाई से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स वाई आयोटा, यहां क्या आ गया, प्लस आइटा वाई माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हमें प्राप्त होता है। बटे यहां ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। अब यहां जो कैंसिल होता है उसको हम पहले कैंसिल कर लें, तो देखो ये तो है प्लस का एक्स, ये है माइनस का एक्स, कैंसिल हो गया। आइटा स्क्वायर होता है माइनस एक के बराबर, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर यहां है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, माइनस आइटा एक्स वाई है और प्लस आइटा एक्स वाई है, ये दोनों कैंसिल हो गए। पुनः देखिए माइनस एक ये रहेगा ही रहेगा, यहां क्या है प्लस का आइटा वाई और प्लस का आइटा वाई, तो ये हो गया प्लस का टू आइटा वाई, ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। बटे इसको स्क्वायर को खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक का स्क्वायर एक प्लस दो एक्स, अब आइटा स्क्वायर है माइनस वन के बराबर तो प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक के बराबर है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक के बराबर कर दूं, ये हो गया एक माइनस एक प्लस दो आइटा वाई, ऐसा प्राप्त हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुनः मैं एक के बराबर कर दूं, तो ये हो गया एक प्लस दो एक्स, सरल करते हैं इसको तो एक से एक कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला दो आइटा वाई बटे दो कॉमन ले लें नीचे, तो ये आ गया वन प्लस एक्स के, दो से दो कैंसिल हो गया, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ, वाई अपॉन एक प्लस एक्स इंटू आइटा। अब देखो जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है उसमें आइटा का ही पद आ रहा है क्योंकि आइटा से गुणा हो रहा है, यहां हमें कोई वास्तविक भाग नहीं मिल रहा है, तो यह एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है जो कि विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, और यहां हमें यही सिद्ध करना है इति सिद्धम, अर्थात हमने क्या प्राप्त किया है, हमने प्राप्त किया कि z माइनस एक बटा z प्लस एक जो प्राप्त किया वो एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या आ रही है, उसमें वास्तविक भाग कोई नहीं है, अर्थात जो z माइनस एक बटा z प्लस एक है वो एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है।